जिस तरह के हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था और उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को 4 टाइम्स लाजमी तौर पर प्रैक्टिस में लेके आए होंगे क्योंकि 2.4 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से उसी इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए हम इस एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जो आपका इस एक्सरसाइज का अनदर लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं सेकंड और थर्ड पार्ट नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखें इस फोर्थ पार्ट की अगर आप बात करें तो हमारे पास सर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर इसमें हमें 2-3 नंबर्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी और प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। इस तरह से 81 है सर, 243 है सर, 9 को तो हमें पता है कि सर क्या इसकी पावर लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर क्योंकि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा। तो हम सब की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं सर फर्स्ट स्टेप में। तो सॉल्यूशन जब आप बेटा स्टार्ट करते हैं इसका तो फर्स्ट स्टेप में आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें जिन नंबर्स की आपको जरूरत है। 81 की जगह पे आप बेटा लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और वो जो पावर n है वो होल की पावर इट इज लिखने पर डॉट का मतलब सर क्या होगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 एज इट इज माइनस 3 की पावर 4 n माइनस 1 मल्टीप्लाई। उसने यहाँ पर डॉट नहीं यूज किया, ब्रैकेट यूज किया सर आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करते रहे। तो यहाँ पर हम डॉट यूज करके सर 3 की पावर क्या लिख लेंगे इसकी जगह पर 5 क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर ही हमने 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन की थी तो 3 की पावर 5 आई थी और उसी क्वेश्चन के अंदर उसी 243 के अंदर ही 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमें मिल रही थी 3 की पावर 4 इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया, मैंने अगेन दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं की। अगर किसी को प्राइम फैक्टराइजेशन ना करनी आती तो लास्ट वीडियो में जो हमने की थी उसको दोबारा एक दफा देख ले, पता लग जाएगा उसे प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से करनी है। ले बेटा 9 की पावर कितनी है 2n, बेटा आप 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर तो फिर ये जो 2n होगा सर ये होल के ऊपर चला जाएगा ठीक है। और ये जो सर 3 की पावर 3 है इसको आप एज इट इज लिखेंगे 3 की पावर 3 ठीक है। अब सर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, यहाँ पर देखिए 3 की पावर 4 होल की पावर है, कौन सी प्रॉपर्टी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में से अप्लाई हो रही है सर सेकंड सेकंड प्रॉपर्टी a की पावर n होल की पावर n सर पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 4n से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पर आप लिखेंगे 3 की पावर 4n क्योंकि पावर एंड पावर से क्या हो जाना है बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 एज इट इज माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 बेटा मैं ब्रैकेट खत्म कर रहा हूँ ठीक है। ब्रैकेट जब खत्म करेंगे 3 के ऊपर पावर आ जाएगी 4n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 ओवर पावर पावर से क्या होगी मल्टीप्लाई 2 2 4 3 की पावर बेटा कितनी आ जाएगी 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 अगेन मैंने जैसे भी ब्रैकेट को क्या कर दिया खत्म, जब मैंने ब्रैकेट को खत्म कर दिया तो मैंने उसकी जगह पर डॉट लगा दिया ताकि मुझे ये सेम मेरे ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही। अब देखिए बेटा ये दो नंबर्स की अगर बात करें तो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की बेसिस क्या है सेम। इन दोनों नंबर्स की अगर बात की जाए सर ये दो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नंबर्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की पावर्स बेसिस सेम सॉरी तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड और डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो ये दोनों नंबर्स भी क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई है और उनकी पावर्स बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स भी क्या की जा सकती हैं ऐड की जा सकती हैं। तो हम ऊपर अगर यहाँ पर देखें तो 3 की पावर 4 एन में प्लस हो जाएगा कितना सर 5 माइनस ये वाला बेटा एज इट इज आ जाएगा, इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड 3 की पावर बेटा आप क्या लिखोगे 4n माइनस 1 प्लस 5 और डिनोमिनेटर में 3 की पावर 4n में प्लस 1 हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। अब देखें जी बेसिस सेम पावर ऐड बेसिस सेम पावर ऐड बेसिस सेम पावर ऐड ठीक है सर, लोग तो हमने काम कर लिया। अब यहाँ पे सब जगह पे देखें सिर्फ एक पावर ऐसी है जो कि सिंप्लीफाई हो रही है सर वो ये, तो हम ऐसा कर लेते इस पावर को सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। यानी कि हम यहाँ पर 3 की पावर 4n प्लस 5
3 की पावर 4 एंड देखिए बेटा 1 के साथ साइन कौन सा माइनस और 5 के साथ प्लस बड़ी वैल्यू कौन सी है 5 तो 5 में से जब आप 1 माइनस करोगे तो 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4 प्लस का या माइनस का सर प्लस का क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन है डिनोमिनेटर में कौन है 3 की पावर 4 एंड प्लस 3 अब देखिए जी 3 की पावर 4 एंड प्लस 3 क्या कर रहा है 3 की पावर 4 एंड प्लस 3 जो नंबर है सर ये पूरा नंबर इसको भी डिवाइड कर रहा है इसको भी डिवाइड कर रहा है अगर ये दोनों को डिवाइड कर रहा है सर तो क्या आप इसको इस नंबर को अगर दोनों के नीचे सेपरेट कर दें तो क्या ये चीज गलत होगी नो सर क्योंकि ये दोनों को डिवाइड कर रहा है तो हम इसको दोनों के नीचे क्या कर देते हैं सेपरेट सर ये मैंने फ्रैक्शन का सिंबल लगाया है माइनस का साइन ये जो दरमियान में आ रहा है वो लगा दिया लेकिन अगर फ्रैक्शन का सिंबल मैंने लगा दिया 3 की पावर 4 एंड प्लस 5 3 की पावर 4 एंड प्लस 3 ऊपर वाला नंबर लिखा उसके नीचे ये सेपरेट कर दिया फिर इसी तरह से ये लिखेंगे आप और इसके नीचे भी ये वाला नंबर क्या कर देंगे सेपरेट तो 3 की पावर 4 एन प्लस 4 ओवर 3 की पावर 4 एन प्लस 3 बेटा कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लाई हो रही है याद करें जरा अपने जहन में रिवाइज करें या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अंदर क्या बात की थी वहां पर हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि अगर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे बेसिस क्या हो सेम न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर बेसिस क्या है सेम तो आप बेस लिखकर ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को क्या कर दोगे माइनस और नीचे वाली पावर नीचे वाली पावर बेटा कौन है 4n + 3 सर ये दोनों नंबर्स जब ऊपर शिफ्ट होंगे जाकर तो दोनों के साथ माइनस आएगा कुछ बच्चों की गलती ये होती है कि वो 4n के साथ माइनस लगा देते हैं लेकिन 3 के साथ ही माइनस लगा सर पावर ये पूरी है इसलिए पूरी पावर का साइन चेंज होगा 4n का भी और 3 का सर ये जो दरमियान में माइनस आ रहा था वो लिख दिया आपने 3 लेकर ऊपर वाली पावर कितनी है 4n + 4 इसमें से माइनस क्या कर देंगे 4n - 3 ठीक है बेटा अब देखें जी 4n जो पावर है प्लस में ये माइनस में ये तो दोनों कैंसिल हो गए सेम इसी तरह से यहां पर भी 4n + में 4n - में कैंसिल हो गया अब देखें जी 3 की पावर 5 बच गया ऊपर और कौन बच गया माइनस 3 5 में से जब आप माइनस 3 करेंगे चलिए हम इस स्टेप में लिख ही लेते हैं 5 - 3 बच गया और 4 - 3 बच गया 3 की पावर 5 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 2 4 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 1 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 यानी कि 3 को 2 टाइम्स आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 का मतलब बेटा क्या होता है 3 इट मींस 9 माइनस 3 करें तो आंसर कितना आ जाएगा 6 दैट इज योर आंसर तो बेटा आपने सेम जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपने 4 टाइम्स प्रैक्टिस किया था सेम उसी तरह से इस पार्ट को भी कितने टाइम्स प्रैक्टिस में लेके आएंगे 4 टाइम्स ठीक है बेटा ओके